मरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मस्जिद के इमाम की दाढ़ी काटी और फिर मारा। महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट की मस्जिद का मामला सामने आया है। खबर आई है कि मस्जिद के इमाम को जबरदस्ती जय श्री राम न बोलने पर उनकी दाढ़ी काटी और फिर उनको मारा। इमाम साहब का नाम जाकिर सैयद खाजा बताया जा रहा है, जो कि मस्जिद के इमाम थे। ये मामला इतवार शाम 7:30 बजे का है, जबकि इमाम साहब मस्जिद में अकेले बैठे हुए थे, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। उस वक्त कुछ लोग मस्जिद में जबरदस्ती दाखिल हुए, दौड़ते हुए आए और उनको जय श्री राम बोलने को कहा। इमाम साहब का ये भी कहना है कि जय श्री राम न बोलने पर उनको घसीटते हुए मस्जिद के बाहर ले गए। इमाम साहब का ये भी कहना है कि उनको कपड़े में केमिकल लगाकर कुछ सुंघाया गया, जिससे वो बेहोश हो गए और फिर जब उनको होश आया तो उनकी दाढ़ी कटी हुई थी। आसपास के लोगों ने इमाम साहब को होश आने पर उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया और पुलिस में मामला दर्ज किया। हमला करने वालों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमला किसने किया ये अब तक पता नहीं चल पाया है। अनआइडेंटिफाइड अटैकर्स करके पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 452, 323 और 34 की धाराएं लगाई गई है। इस मामले को लेकर गवंडी के MLA जनाब अबू आसिम आजमी ने ट्वीट भी किया है और देवेंद्र फडणवीस जी से रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को सीरियसली देखा जाए और जिन लोगों ने ये शरारत की है, ये हरकत की है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आराम से दे रहे ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज।